हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप वर्मा लेकर आया हूं एक कहानी आपके लिए। इस कहानी में सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। एक बार एक नौजवान एक स्वामी जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे सफलता चाहिए और सफलता पाने का रहस्य क्या है। तो स्वामी जी उसको कहते हैं कि आप कल मुझे नदी के किनारे मिलिए, मैं वहां आपको बताऊंगा। दूसरे दिन स्वामी जी उस नौजवान को नदी के किनारे मिलते हैं और दोनों ही नदी के किनारे जब होते हैं तो स्वामी जी उस नौजवान को पानी के अंदर ले जाते हैं, धीरे धीरे उसको गहराई में ले जाते हैं। जब उनके गले तक पानी आ जाता है तो अचानक ही स्वामी जी उस नौजवान का सर पकड़ के पानी में डुबो देते हैं और वो नौजवान छटपटाने लगता है और सांस लेने की बुरी तरह से कोशिश करने लगता है। लेकिन स्वामी जी उसको तब तक पानी में रखते हैं जब तक उसकी सांसें फूल नहीं जाती हैं। और फिर जैसे ही उसको छटपटाहट ज़्यादा हो जाती है तो स्वामी जी उस नौजवान को पानी के बाहर निकाल लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। तो वो नौजवान अचानक गुस्से हो गया और पूछने लगा कि स्वामी जी, मैंने आपसे सिर्फ सफलता का राज पूछा था और आप तो मुझे पानी में डुबो रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि जब तुम पानी में थे तो क्या कोशिश कर रहे थे। तो नौजवान ने कहा कि मैम, जब पानी में था तो मैं सांस लेने की कोशिश बहुत जोर से कर रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम सफलता के लिए भी ऐसे ही प्रयत्न करोगे तब तुम्हें सफलता मिलेगी। मतलब जैसा आप कर रहे थे जब आपका सर पानी में था और आप बुरी तरह से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, अगर उसी तरह से आप सफलता को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वो आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, हम सबके लिए इसमें से यही सीख मिलती है कि जैसे किसी का सर जब पानी में होता है तो वो पानी में से सांस लेने की कैसे कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से हम भी अगर सफलता के पीछे पड़ जाएंगे तो वो हमें हमेशा मिलकर रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आई एम योर लाइफ कोच संदीप।